Okay, so हाय गाइस, दिस इज गेमिंग प्रोशन और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट गैलेक्सी रेसर। किस तरीके से गैलेक्सी रेसर ने अपनी फाइट्स निकाली और क्या चेंजेस हमें देखने मिले गैलेक्सी रेसर में, जो पिछले हफ्ते क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टीम। इस हफ्ते आते ही पहला गेम चिकन और दूसरा गेम जो लास्ट गेम था उसके अंदर बहुत बेहतरीन फाइट। सो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। व्हाट चेंज, व्हाट डू वी सी इन द एग्रेसिव स्टांस फॉर द टीम एंड हाउ डू वी एक्चुअली जस्ट नो टॉक अबाउट इट। सो या लेट्स एक्चुअली बिगिन दिस वीडियो। तो अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें और पिछली बार से इस बार की बात करें कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसमें दो तीन फाइट्स मैं ऐसा सच एक एग्जांपल के तौर में देना चाहूँगा। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी कि क्या हुआ था गैलेक्सी रेसर्स के साथ, एंड उसमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ओवर कमिटमेंट इश्यूज थोड़े से लग रहे थे कहीं ना कहीं। एंड यार देखो, एक चीज़ आती भी है जब आप प्रॉपर एक कॉम्पिटेटिव वाइब की बात करते हो। इतना टाइम अगर कोई टीम दूर रहती है, प्लेयर्स दूर रहते हैं, एकदम से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हल्का सा टाइम चाहिए होता है। एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में मसल मेमोरी रहती है, इन प्लेयर्स के भी सबकॉन्शियस माइंड में वो मसल मेमोरी थी, वो बस निकालनी थी। और वो जैसे ही निकला, ये टीम भयंकर खेली है, भयंकर लाइक लेजिट भयंकर। ऑब्वियसली इन्होंने गेम प्ले दिखाया है, सो वो शो करता है। अब इसके अंदर अगर हम फाइनल एक पहले फाइनल फाइट की बात करेंगे, उसके बाद एक इनिशियल फाइट की बात करेंगे जो हुई थी, सो या, और उसके बाद हम लोग अगले गेम के वो सेकंड पोजीशन वाले की बात करेंगे। सो लेट्स एक्चुअली बिगिन नाउ। इफ यू जस्ट लुक फॉरवर्ड कि कहाँ पर क्या है, आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हल्का सा ड्रोन व्यू हमें देखने को मिलेगा, और वो ड्रोन व्यू बहुत अच्छे तरीके से पूरी सिचुएशन को दर्शाता है। लुक एट दिस, यहाँ पर अगर आप जोन देखो, जोन के हल्का सा ही अंदर है टीम, लेकिन जो ये एरिया जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, जो जोन के अंदर का भी बनता है, वो ये रिज है। सो ये रिज काइंड ऑफ हेल्प क्यों करता है इस टीम को? पहली चीज, बाकी टीम में कवर कैसे बना रही है, आप देखो ये पेड़ है, पेड़ के पास स्मोक है, इसके पीछे यहाँ पर एयर ड्रॉप है और यहाँ पर कवर, लाइक ऐसे कवर बना रही है। और बाकी प्लेयर्स हल्का सा पीछे क्यों? क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आना थोड़ा ओपन एरिया हो जाता है उस हिसाब से। एनएसआर के प्लेयर्स कैसे कवर बना रहे हैं? स्मोक है, गाड़ियाँ हैं, आगे एक पेड़ है और उसके आसपास कवर है, मीन वाला एक प्लेयर आगे की तरफ को देख रहे हैं। सो ऐसे कवर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। सो ये सारी ऑल टुगेदर चीज़ें यहाँ पर चेक होती हैं। बट इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, वो है कि ये जो कवर है, ये और इस कवर के साथ साथ आपको लोकेशन और इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। जस्ट हैव अ लुक, गैलेक्सी रेसर्स के इस टाइम सब प्लेयर्स जीवित हैं और उनकी लोकेशंस एक दूसरे के आसपास ही हैं। अब यहां पर कॉल्स की बात आती है और किसने किसको स्पॉट किया और कैसे शूट किया, उस सब चीजों की बात आती है। वो आराम से यहां पर हो सकता था, वो आप थोड़ी देर में देखोगे जब हमें पता चलेगा कि प्लेयर्स एक दूसरे को टेक डाउन कर रहे हैं, आसपास हैं, आवाज आ जाती है कौन किसके कितना करीब है, कितना क्लोज है वगैरह। एक ने एक को टेक डाउन किया, सीधा साइड से अगर कोई स्पॉट करेगा सीधा पिक निकालने की कोशिश होगी, और वही गैलेक्सी रेसर के प्लेयर्स करेंगे। एक ने जैसे बताया कि नॉक किया, नॉक हो रहे हैं, अब हलचल दिख रही है गैलेक्सी रेसर को। तो इस टाइम पर ओवर कमिटमेंट नहीं किया, पहली चीज पता है ये पहला गेम है, इस गेम को और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, थोड़ा देख परख के खेलो। चाहे आपको पता आप फॉर्म में हो, चाहे आपको पता आप अच्छा हो, थोड़ा देख परख के खेलो। वही इन प्लेयर्स ने यहां पर किया है इस टाइम पर किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको पता आपको जोन में बस एंट्री लेनी है जब बाकी टीमें आपस में लड़ रही हैं। बाकी टीमें आपस में लड़ रही हैं का ये मतलब है साइड्स के दो प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं अभी अभी, और एनएसआर के दो प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। तो जो मैन एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात होती है, वो ऐसे आ चुका है कि साइड्स के पास अभी एक आदमी है और एनएसआर के पास दो आदमी है और इनके पास चार आदमी है। सो इन्होंने उस चीज़ का फायदा अब उठाया है पूरा एकदम अच्छे तरीके से, जैसे कि हम ऑल टुगेदर बात करते हैं, वो उठाना भी था, इंपॉर्टेंट था, तो इन्होंने किया ना। लुक एट दिस, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, गोस्ट इज रेडी टू गेट दोज पिक्स, बट गोस्ट इज नेवर रेडी फॉर दिस ऑब्वियसली अभी के लिए, लाइक इस हिसाब से। बट उतने में क्या होता है, फोबिया वहां पर पिक हो रहे थे, सब चीज उनका चल रहा था, गोस्ट ने वहां पर सी ही वॉज रेडी टू गेट दोज पिक्स। बट थिंग इज, इन सब चीज़ों का फायदा गैलेक्सी रेस, लुक एट दिस, इन सब चीज़ों का फायदा गैलेक्सी रेस। साइड्स के जो प्लेयर थे उनको जोन भी दिक्कत दे रहा था एंड एवरीथिंग, बट इस सब का फायदा गैलेक्सी रेस। जैसे ही पता चला कि हर तरफ फाइट हो रही है, जहां पर उनको इन्फॉर्मेशन मिली वहां पर डाउन डाउन फिनिश, लाइक कोशिश पूरा। अब इस टाइम पर चीज क्या बची है, आप देखो एमजे, ये एमजे और ओवेस को मैंने बहुत करते हुए देखा कल वाले दिन में, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। ओवेस को मैंने बेसिकली कंटेनर्स वगैरह के आसपास देखा था, जब मिरामार में फाइट होती है आपको याद रहेगा, ऐसे कंटेनर्स रहते हैं और कंटेनर के पास प्लेयर यहां पर रहता है, राइट? ठीक है, ये हमारे चलो ओवेस बन गए। बट प्लेयर क्या करता है, प्लेयर ना हल्का सा जंप करता है ताकि उसको आगे का एरिया मिल सके एंड एवरीथिंग। अब यहां पर क्या हो रहा था, एमजे है यहां पर, अब अगर आप एमजे को देखें, वो जब नीचे आते हैं यूल जस्ट सी उनके पास इतना विजन रहता है, इतना लाइक इतना आराम से विजन रहता है। सो व्हाट ही नोज इज, इनको यहाँ पर हलचल देखनी है, यहाँ पर कैसे हलचल होती है। तो ये हल्का सा जंप करते हैं, किसी प्लेयर का मूवमेंट दिखता है, कोई प्लेयर आता हुआ दिखता है, कोई प्लेयर ऐसे लेटता हुआ दिखता है, खुद को हील करता हुआ दिखता है, सारी मूवमेंट्स इनको दिखती हैं उस हिसाब से। जब आपको ये मूवमेंट दिख रही है तो आपको पता है क्या करना है,
ये यहां पर NSR के लिए गेम खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, NSR का गेम हो चुका है इस मौके पर, और साइट्स का गेम बचा। जैसे थ्रोएबल निकला ना आप देखो, हाँ थ्रोएबल निकला, NSR का गेम खत्म, साइट्स का गेम साइट्स के लिए गेम था, बट द थिंग इज HP कम, एक प्लेयर डाउन, देयर इट इज द एंडिंग। सो ये था पहला फाइट का यू नो फाइनल सर्कल। कि फाइनल सर्कल में भी पता है ओपन सर्कल है, रश करना नहीं बन मैटर कर लाइक बनता है, काम का नहीं रहता रश करना। सो आपको पूरा आराम से फाइट निकालनी है, ये बहुत अच्छा था। एक और चीज की मैं बता देना चाहूंगा इन सब फाइट्स के अंदर, और वो है ओवेस का जोन का होल्ड। एक गेम, दो गेम, तीन गेम, जो भी गेम यू नो अच्छा था इनका, ओवेस का सर्कल होल्ड वॉज ब्रिलियंट। आई मीन ओवेस को इस चीज के लिए जितनी तारीफ करी जाए उस प्लेयर की कम है। एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है, नोज व्हाट्स गुड फॉर द टीम। वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो यू नो अपना पर्सनल बेस्ट दिखाने के लिए खेलता है, वो ये दिखाने के लिए खेलता है कि पर्सनल बेस्ट आ जाएगा, बट जो टीम है टीम को साथ लेकर के चलना है। टीम को साथ आप कैसे लेकर के चलोगे, सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको हेल्प करे, दैट्स ओवेस फॉर यू। ओवेस इस मामले में, इस थिंकिंग में सबसे एक्सपीरियंस है, सबसे एक्सपीरियंस है इस थिंकिंग में। खैर अब यहां पर एक चीज देखो, ये फाइट हो रही है पर पीछे से मजे लेने कौन सी टीम आएगी। तो ये जब फाइट हो रही थी और जब यहां पर एलिमिनेशंस और सब चीजों का दौर चल रहा था, ये जैसे फाइट होती रही, जो जो होता रहा, इन सब चीज के बीच में एक स्क्वाड यू नो बाकी प्लेयर्स डाउन कर रही है, नहीं कर रही है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, गैलेक्सी रेसे का स्क्वाड है यहां पर, और ये अब आप बोल सकते हो कि उनको रोटेट कर लाइक यहां पर ना इस टाइम पे, अब देखो आपने उन लोगों ने मूव करना शुरू किया और वो आ रहे हैं। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज ये प्लेयर यहां पर थे, रुके हुए थे, एंड देन दे आर लाइक सर्कल में और अच्छे एरिया क्या हो सकता है, घर, सबसे क्लोजेस्ट घर कौन से, ये, और अब अगर यहां तक आ चुके हैं वापस जाने का तुक नहीं बनता। आप ये प्लेयर्स के लिए रहता है, आप तब तक वापस नहीं जाओगे जब तक आपको ये लग रहा है कि आप फाइट हार जाओगे, एंड प्लेयर्स दे नो कि ये फाइट तो हारने वाली नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लेयर्स ने, ओपोनेंट्स ने आपस में कमिट कर रखा है, दिख रहा है आपस में कमिट कर रखा है, तो इनके बीच में आकर के फाइट ली जा सकती है। सीधा आए गाड़ियां लगाई, और फाइट्स ली, विल सी दैट हैपनिंग। देखो प्लेयर्स आ रहे हैं, सीधा आए हैं, गाड़ियों की आवाज सुन के इनकी अलग हालत खराब हुई, उनकी अलग हालत खराब हुई, कि भाई यहां पर गाड़ी आई है मतलब और लोग आ रहे हैं, और लोग हमारे ऊपर एग्रेस करना चाहते हैं, और एग्रेस करने के साथ साथ द बेस्ट पार्ट इज थ्रोएबल्स। देखो सीधा सीधा थ्रोएबल्स, आप रुकोगे इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, फुटस्टेप्स कैसे मिलेंगे, वो सब चीजें कैसे मिलेंगी थ्रोएबल्स करके, और उसमें और ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है, एक प्लेयर यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, और इस घर का कंट्रोल भी ले ले। अगर एक प्लेयर इस घर का कंट्रोल ले लेता है, कोई यहां से बाहर निकलेगा तो ये प्लेयर देख लेगा, कोई एक प्लेयर यहां पर है तो कोई वहां से बाहर निकलेगा, ये प्लेयर देख लेगा, बाकी प्लेयर सीधा एग्रेस करेंगे थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करते हुए। सो ये सब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने देख के किया हुआ है, थ्रोएबल्स हो रहे हैं आराम से, हो रहे हैं पूरे थ्रोएबल्स के ऊपर ये गेम जा रहा है, एंड उसके बीच में यहां पर आप देखो वहां पर एक प्लेयर अलग और ये MJ यहां पर, ये यहां पर, यहां पर, और मैक्सकेश यहां से हल्का सा इधर आकर के अंदर की तरफ को घुस गया और सीधा इन्होंने रश करके फाइट ली। ये एरियाज होल्ड करना, जानना, देखना, परखना, ये एक्सपीरियंस है। गैलेक्सी रेसर को ये पता है, ओवेस को ये पता है, जो परफेक्ट यू नो परफेक्ट चीज रहती है। एंड MJ ऑब्वियसली द क्लच मशीन, MJ इज ब्रिलियंट, मैक्सकैश इज ब्रिलियंट। मैक्सकैश को हमने इस बार मैक्सकैश के मिनी टैप्स कनेक्ट होते हुए इतने सारे देखे, अमेजिंग। अल्ट्रॉन इज द मैन हु जस्ट यू नो गेट्स यू द रिजल्ट्स व्हेनेवर यू वांटेड। ये पूरा लाइनअप बेहतरीन था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल फाइट। फाइनल फाइट काइंड ऑफ जस्ट यू नो गॉट अस ऑल इनटू I don't know the way it was something that was chaotic, but उस chaos के बीच में भी अब ऐसे में अगर final fight होती है तो आपको presence of mind, game sense के साथ साथ presence of mind important है। game sense तो है ही है, but presence of mind बहुत important है। जैसे ही eliminations वगैरह हो रहे हैं, where are the two teams? Okay, this is spoiler. एक्चुअली इससे हल्का सा पीछे चलते हैं। Now look at this area and look at everything that constitutes with it. Guns के players हैं यहाँ पर, like zone के अंदर ना guns के players अच्छा area दोनों side से hold कर रहे थे, और Galaxy Racer को यहाँ पर pinpointed थे Galaxy Racer के players. But what happens is the brilliance in the fights. एक down हुआ ठीक है, एक pick हुआ ठीक है, कोई issue नहीं है. But look at this, Ultron takes down one, has 9 bullets. दूसरे पे प्रेशर बनाया 18 18 18 18, ये डैमेज ऑलरेडी यहां पर दिया जा रहा है। इफ आई जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ना, द डैमेज इज ऑलरेडी बीइंग डन, 72 डैमेज दे चुके हैं वो ऑलरेडी, और उस चीज के चलते प्लेयर हल्का सा पीछे आएगा, बट द थिंग इज पीछे से ये स्पॉट हुए, बट जैसे ये स्पॉट हुए MJ कम्स इनटू द प्ले, लाइक वो प्लेयर प्रेजेंस
बहुत बढ़िया इनकी तरफ से, सीधा ही कम्स इनटू द प्ले। नाउ लुक एट दिस, रिवाइव हो रहा था, कैंसिल होगा एक बार के लिए। सो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इनको इनको मिलती है जब पता चलता है राउफ आगे से आ रहा है। राउफ का भी पर्सपेक्टिव आप देख पाओगे, लाइक यहां से आप पर्सपेक्टिव देखोगे, ही नोस के राउफ इज कमिंग। फुटस्टेप्स आ चुके हैं, फुटस्टेप्स आ चुके हैं, गोलियां चलेंगी। अब ये गाड़ी ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली है, गोलियां चल रही हैं, देयर इट इज, ही गोज डाउन बाय अ ब्लास्ट। दिस प्रेजेंस जस्ट स्पीक्स ब्रिलियंस, दिस प्रेजेंस स्पीक्स ब्रिलियंस इन इट्स ओन सेल्फ। बट खैर, उसके आगे की चीजें यहां कहीं ना कहीं खराब हुई। रिवाइव दिया, रिवाइव देने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी है। रिवाइव हुए, आगे गए, दिस ड्रॉप वॉज गुड, बट दिस एंडिंग वेंट रियली अब्रप्ट। क्या हुआ, अल्ट्रॉन जैसी पीछे गए, अल्ट्रॉन को पिक कर लिया गया क्योंकि उनकी एचपी कम थी, होना था। अल्ट्रॉन जैसी पीछे गए, उनको पिक किया गया क्योंकि एचपी कम थी, और ये कंपेरेटिवली यहां से कंपेरेटिवली ओपन एरिया कमिटमेंट हो गया था। I'll show it to you once again. इस अल्ट्रॉन पीछे गया, वैसे वो पिक हुए। बट ये अगर आप देखें, ये जो पेड़ था, इस पेड़ के बिल्कुल साइड से वहां पर पिक हो गए थे। सो वो ओवर कमिटमेंट यहां पर हल्का सा रहा, बट ऐसे गेम में चल जाता है, ऐसे गेम में हो जाता है, ऐसे गेम में होता ही है, तो आप इसको कुछ नहीं बोल सकते। सो डू लेट मी नो डाउन बिलो कि आप इनके परफॉर्मेंस से कितना ज्यादा खुश हैं अभी, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। लेट जस्ट एम फॉर 1000 लाइक्स, आई होप कि आप लोग करवा दोगे। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, मेरे को आप यू नो फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल्स पर, और सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडस्ट्री ऑसम, एंड इस आउट गाइज़।